नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लोगों को बाहर निकाला जा रहा था जबरदस्ती। ईवीएम पे जो नंबर थे वो पूरे कटे हुए। इस चुनाव में भी इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। यूपी के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली जीत उस सवालों के घेरे में आ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम के चुनाव में ईवीएम के साथ धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है जिसका फायदा बीजेपी को मिला। लखनऊ में तो बीजेपी पर ईवीएम बदलने का आरोप तक लगा दिया गया। प्रत्याशियों की माने तो मतदान और मतगणना दोनों के ईवीएम पर अंकित नंबर अलग अलग पाए गए। निकाय चुनाव में मतदान के बाद ईवीएम मशीन से हुई मतगणना के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का जो है वो आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ विपक्षी पार्टी के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा क्या आरोप है आपका, किस बेस पर आप कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। मैं अंजू मिश्रा हूँ, समाजवादी पार्टी से सभासद प्रत्याशी। और ये है कि उन्होंने मशीन पूरी तरीके से बदल दी है और नाम गायब कर दिए हैं और उन्होंने बहुत समस्या पैदा कर दी है। क्या कहा कि अरे लड़कों को जेल भिजवा देंगे और ये भी कहा कि आप लोग बाहर चले जाइए। कल जब जहां काउंटिंग हो रही थी हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा था जबरदस्ती। हार पर आप लोग कह रहे हैं कि जो है ईवीएम मशीन जो है उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है। किरण अवस्थी पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी जी, मेरा मत एक ये कहना है, ईवीएम पे जो नंबर थे वो पूरे कटे हुए थे और उस पर टेप चिपका दिया गया था। कैंडिडेट हैं जो साफ आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जो ईवीएम मशीन है जब वो जिस समय वोटिंग हुई थी उस समय उसकी जो उसका नंबर था वो कुछ और था, लेकिन जिस टाइम उसकी काउंटिंग की गई तो वो नंबर वहाँ पे कुछ और निकला। जब इन्होंने उसको बदलने का आरोप लगाया तो इन लोग को वहाँ पे धमकाया गया, डराया गया। हालांकि इसको लेकर ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे शिकायत को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकी शिकायत को किस तरीके से ले लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की जीत का आधार ईवीएम में गड़बड़ी को बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं लेकिन ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं। नरेश उत्तम जी, लगातार प्रत्याशियों का भी आरोप रहा है, चाहे सहारनपुर की बात की जाए, चाहे एक लखनऊ के वार्ड मेंबर की बात की जाए, वो लगातार हमला कर रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद ईवीएम पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और 2017 का चुनाव का परिणाम प्रभावित किया गया। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि नहीं, किसी तरीके कोई छेड़छाड़ नहीं, चुनौती दिया। बावजूद इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि आप मशीनों से चुनाव कराओ, लेकिन इसमें एक वीवीपैट जो लगता है जिससे लोगों को दिखाई पड़े कि आपने जो मतदान किया, कि हमने साइकिल पर वोट डाला तो हमारा साइकिल में निकला। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन निर्वाचन आयोग ने नहीं किया और फिर वही पुराने सिस्टम पर चुनाव उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में करा दिया, जिससे शंका होना स्वाभाविक है। अब कई जगह शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोगों ने मतगणना को डिस्टर्ब किया, अधिकारियों ने प्रभावित किया, कई जगह लाठीचार्ज हुआ, तो क्या उसको लेके क्या होगा? निश्चित रूप से तमाम ऐसी जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो लोग 100 वोट, 150 वोट, 200 वोट से हार जीत रहे थे उन्हें जबरदस्ती हरा दिया गया। प्रशासन को लगा करके, कहीं विद्युत गायब करके, आप अयोध्या में 2.5 घंटे तक मतगणना बाधित रही। 2.5 घंटे मोहम्मदी लखीमपुर में मतगणना बाधित रही, वहाँ मंत्री बैठ गया, नगर विकास मंत्री बैठ करके वहाँ मतगणना करा दी और जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के कार्तिक तिवारी को हरा दिया। और इस तरीके से अभी खागा में वोट पड़ा 18,000 और काउंटिंग हुई 21,000 की, जिसकी आपत्ति सारे प्रत्याशियों ने खागा फतेहपुर में कराई और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सरकारी अमले का पूरा दुरुपयोग करके इस चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम थे, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी अमले का प्रयोग। बीजेपी भले ही निगमों में मिली अपनी जीत पर जश्न मना रही हो, लेकिन ईवीएम पर उठे सवाल उसके जश्न को फीका कर रहे हैं।
विपक्ष के आरोप को बीजेपी खारिज तो कर रही है लेकिन अपने दावे के पक्ष में तथ्य नहीं दे पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।